ये है मोहब्बतें में पूरा परिवार मिसेस आयर से मिलने उनके हॉस्पिटल रूम में जाता है, लेकिन नर्स आकर सिर्फ किसी एक को उनके पास रहने के लिए कहती है। इशिता के साथ साथ तोशी जी भी मिसेस आयर के पास बैठती है। वो उन्हें बार बार उनसे झगड़ा करने के लिए इंस्टिगेट करती है, इस उम्मीद में कि चाहे उनसे लड़ने के लिए ही सही, पर मिसेस आयर अपने आंखें तो खोलेंगी। जैसे ही तोशी जी रूई का नाम लेती है, मिसेस आयर को होश आने लगता है। वो रोमी का नाम लेकर फिर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर इशिता को घर से मिसेस आयर की कोई पुरानी रिपोर्ट लाने के लिए कहता है। इशिता जैसे ही घर पहुंचती है, उसे रोमी एक व्हाइट गाड़ी से निकलता नजर आता है। उससे याद आता है कि उसकी अम्मा का एक्सीडेंट भी उसी मॉडल की व्हाइट कार से हुआ था। वो अपनी अम्मा के एक्सीडेंट के लिए रोमी को जिम्मेदार मानती है और उसे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रोमी घबरा जाता है। तभी वहाँ सिमी आती है और रोमी को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। वो रोमी को कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाने के लिए कहती है। वो उसे रमन का फोन भी उठाने से मना कर देती है।